नई साइकिल आ रही है, वाओ। मेरी नई साइकिल, वाओ। जी प्रेजेंटेशन भी यार आज ही खत्म करनी पड़ेगी, वरना बॉस मेरी जान के पीछे ऐसे पड़ जाएगा जैसे यमराज का भैंसा। चलो कुछ करता हूँ, उसको आज ही खत्म कराता हूँ। पापा। 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 Oh, no! क्या मुसीबत है ये माँ बेटी ने तो परेशान करके रखा हुआ है। क्या है? मुझे साइकिल चाहिए। Oh, no! साइकिल चाहिए? लो ले। पापा मुझे आइसक्रीम नहीं साइकिल चाहिए। अरे तो मैं भी तो वही समझा रहा हूँ, साइकिल कोई आइसक्रीम नहीं जो आपने बोला और मैं लाके दे दूँ। चलो काम करने दो मुझे। पापा ऐसे नहीं मानेंगे, नंबर 44 यूज ही करना पड़ेगा। पापा तब तक आप मुझे साइकिल नहीं दिलवाओगे तब तक मैं नहीं कुछ खाऊंगी नहीं किसी से बात करूंगी। Oh, no! राशन बचेगा। तब तक साइकिल नहीं मिलती तब तक भूखा रहना पड़ेगा। अभी खा ली तू पेट भर के सब कुछ। चलो चलती हूँ। 5 minutes later। अरे काव्या क्या हुआ इसको? पता नहीं क्या हुआ है इसको, देखिए ना, ना सुबह से कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना बोल रही है। अच्छा मुझे पता है काव्या कैसे मानेगी, मैं ले आया काव्या के लिए नई साइकिल। सही है ना साइकिल? तुमने तो मुझसे कहा था साइकिल चाहिए। Oh, no! चलती भी है, अच्छी लगी ना ये साइकिल? है मुझे खेलने वाली साइकिल नहीं चाहिए, मुझे चलाने वाली चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ला दूंगा चलाने वाली साइकिल। चल अब कुछ खा ले। 24 hours later। फाइनली आ गई काव्या की साइकिल। नहीं मतलब नहीं, तुम्हें पता है मिसेस शर्मा की कितनी चोट आई है साइकिल की वजह से। लेकिन मम्मी आंटी तो साइकिल नहीं एक्टिव चलाती। Oh, no! हाँ चलाती तो एक्टिव ही है, एक्सीडेंट तो उनका साइकिल से हुआ है ना, पता है कितनी चोट आई है उनके साइकिल को? नहीं मिसेस शर्मा को। लगता है मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, मुझे लगता है फॉर्मूला नंबर 44 फिर से यूज करना पड़ेगा। Later। मेरी प्यारी बेटी काव्या, मेरी प्यारी बच्ची, ये क्यों लाई है? मम्मी मुझे थोड़ा गाना और चीखने का मन करता है। Oh, no! गाना गाने का? लास्ट टाइम जब उसने गाना गाया था तो घर की सारी क्रॉकरी टूट गई थी। काव्या नहीं, काबू नहीं। बाल बाल बच गई। 20 minutes later। आज तो मजा ही आ गया, आज नहीं मम्मी नहीं पापा, आज पूरा दिन आपकी साइकिल चलाऊंगी। साइकिल मेरी साइकिल, साइकिल मेरी साइकिल, साइकिल मेरी साइकिल, साइकिल मेरी साइकिल, साइकिल मेरी साइकिल। मुझे ऐसे साइकिल नहीं चलानी चाहिए। Oh, no!
नेक्स्ट डे। चोट तो बहुत गहरी आई थी इसकी, इसलिए हमें इसका एक पैर काटना पड़ा है। ओह नो। अच्छा हुआ अब कमरे में साइकिल तो नहीं चलाई थी, साइकिल ने तो बहुत परेशान कर रखा है। नहीं डॉक्टर अंकल, अपने पैर दे दो ना। कैसी लड़की है आपकी? अरे छोड़िए, आप ये जिद करेंगे आप मानिएगा मत। मम्मी कह रही है पैर दे दो, बेटी कह रही है पैर दे दो। नहीं नहीं, पता नहीं कैसे पागल लोग हैं, मुझे नहीं देने अपने पैर वैर। शैतान लड़की चुप कर, कुछ समझ में आया तुझे? क्या कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए। तुमने अपनी जिद का नतीजा देखा? साइकिल साइकिल साइकिल, सिर्फ साइकिल चाहिए तुम्हें। साइकिल चलानी है साइकिल चलाने दो, मुझे न्यू साइकिल चाहिए, मेरे पास साइकिल होनी चाहिए, बस साइकिल। देखा ना जिद का नतीजा तुमने? तो हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना, हमें कभी जिद नहीं करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स की, बड़ों की, सबकी बात माननी चाहिए। बड़ों की नहीं, छोटों की भी। और फ्रेंड्स, साइकिल चलानी चाहिए, साइकिल लेनी भी चाहिए, पर बड़ों के सामने चलानी चाहिए, अकेले में नहीं चलानी चाहिए। देखा ना इसकी हालत क्या हुई, इसे जिद करके कैसे साइकिल लेके गई थी और फिर क्या हुआ इसके साथ। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हो जाए तो इसके तो से सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब करेगी जिद, करेगी जिद, करेगी जिद। अगर जिद की ना, डॉक्टर अंकल का इंजेक्शन याद है तुझे?